डॉक्टर ने मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट बोला हुआ था, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा फीवर हो गया हुआ। ठीक है, 7 स्क्रूज है गाइस, देख रहे हो? अगर आपको दिख रहे हैं वीडियो में, मुझे नहीं पता, ये ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है। ये देखो, मैं आपको फोन की कंडीशन दिखा रहा था। ये रहा हमारा आईफोन 14 प्रो मैक्स, इसकी हालत देखो, टोटल लॉस हो गया हुआ है। ये देख लो, पास से हालत देख लो यार, देख रहे हो? सैम 50K लाइक्स कर दो एंड सैम को भी सब्सक्राइब कर दो यार। ठीक है, सैम भी बहुत मेहनत कर रहा है, सैम ब्लॉग्स करके इसका चैनल है, इसको भी जाके सब्सक्राइब करो। ये मैंने अभी स्लिंग लगाया हुआ है ना, मेरे पूरे हाथ का वेट इसके ऊपर है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है यार। और ये भी पीछे से पूरा स्वेल हो रखा है यार, बहुत बुरी हालत है मेरी। तो गाइज, मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था कि कल की वीडियो में मैं आपको बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो गाइज आज की वीडियो में आपको बहुत सारा कंटेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, मैं आज आपको एक्सरेज भी दिखाऊंगा, आपको फोन की कंडीशन भी दिखाऊंगा, पर गाइज आज मैं आपको बाइक की कंडीशन नहीं दिखा पाऊंगा, बिकॉज बाइक अभी तक हमारे पास नहीं पहुंची है। बाइक वहां से भिजवा दी थी ऑटो पे, मैंने उनको बाइक को बोला था कि ऑटो पे बाइक को भिजवा दो, पर यार आगे ट्रैफिक जैम है, रास्ता पूरा बंद हो रखा है, तो बाइक को भी स्टे कर दिया हुआ है वहां पे। ठीक है, पर कल हमारे पास बाइक आ जाएगी, तो कल की वीडियो में पूरी मैं आपको बाइक दिखा दूंगा, बाइक का सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, तो गाइस चलो सबसे पहले फोन से स्टार्ट करते हैं। आपको पता था मेरे पास 2 फोन थे, एक है ये आईफोन 14 प्रो मैक्स और दूसरा था ये सैमसंग का S20 प्लस। तो मैं आपको दोनों की हालत दिखा देता हूं यार। ये वाला जो मेरा फोन था, जिन लोगों ने ब्लॉग देखा होगा उनको तो पता ही होगा कि आगे फोन होल्डर पे लगा हुआ था। ठीक है, तो चलो गाइस अब मैं आपको इसकी हालत दिखा देता हूं कि इसकी क्या हालत हुई है। फोन होल्डर की वो हालत थी, तो इसको कहां बचना था इसने, तो पहले इसकी हालत चेक करो गाइस। देख रहे हो, ये रहा हमारा आईफोन 14 प्रो मैक्स, टोटल लॉस हो चुका है गाइस, टोटल लॉस हो गया मेरा फोन। ओ भाई ये खुल गया, इधर इधर इधर, गाइस देख रहे हो ये भी खुल जाता है यार, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रखी है। तो मैं आपको फोन की कंडीशन दिखा रहा था, ये रहा हमारा आईफोन 14 प्रो मैक्स, इसकी हालत देखो, टोटल लॉस हो गया हुआ है। ये देख लो, पास से हालत देख लो यार, देख रहे हो सब हालत दिखा। और ये देखो, यहाँ से सिम निकाली हुई है, ये रहा सिम स्लॉट, दिख रहा है आपको सिम स्लॉट, दिख रहा होगा यहाँ से सिम निकाली हुई है। सैम दिखाना फोन पास से, सैम आपको दिखाएगा, मैं ज्यादा हिल नहीं सकता हूँ यार। देख लो क्या हालत है, क्या कंडीशन है यार इस फोन की। मतलब मैंने इतनी मेहनत से यार, YouTube मनी से मतलब ये फोन लिया था, एंड फिर ऐसी चीज हो जाए, ऐसी हालत हो जाए ना फोन की, तो बहुत बुरा लगता है। टोटल लॉस हो गया गाइस, ये फ्रंट भी पूरा टूट गया, बैक भी पूरा टूट गया। इसका जो फ्रेम होता है ना, ये वाला जो फ्रेम होता है, ये वाला फ्रेम, ये भी पूरा टूट गया हुआ है इसका। एंड अभी मुझे पता नहीं है इसका क्या होगा, मतलब ये कितने में ठीक होगा। इसका इंश्योरेंस नहीं था, मैं इसका इंश्योरेंस कराना भूल गया, मैंने बहुत बड़ी गलती की है गाइस। जो लोग भी महंगे महंगे फोन लेते हैं ना, मैं उनको यही बोलूंगा यार, जो मैं गलती करता हूँ ना, वो गलती आप मत करो। जब भी आईफोन लोगे ना, कोई भी 14 प्रो मैक्स, अभी 15 भी आएगा, तो उसका इंश्योरेंस करवा लेना यार, मेरी वाली गलती मत करना। अभी पता नहीं 60-70 हज़ार का ठीक होगा कसम से, क्योंकि आगे से भी उड़ गया है पूरा, पीछे से भी पूरा उड़ गया है, तो 60 हज़ार तो कहीं नहीं गए इसके ठीक होने में, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी अभी जो भी होगा मैं आपको अपडेट करूंगा, मैंने 1-2 लोगों से बात की हुई है इसके लिए। बाकी गाइस अगर मैंने इंश्योरेंस कराया होता फिर ये फ्री में चेंज हो जाना था, पर गलती होगी तो क्या कर सकते हैं। एंड गाइस ये वाला जो मेरा फोन है ना, ये मेरे पॉकेट में था, ये वाला जो फोन है S20 प्लस, इसका दिखा, बैक दिखा इसका गाइस, इसकी हालत देखो पीछे से, आगे से भी दिखा, देख रहे हो ये भी पूरा टूट गया हुआ है। ये मेरे पॉकेट में था, इसको तब भी इतना डैमेज हुआ हुआ है, वो तो अच्छा था मैंने राइडिंग गियर्स पहने थे। ये ऑन हो रहा है, ऑन हो रहा है, ये फोन पर चल नहीं रहा है अच्छे से, इसकी बहुत बुरी हालत हो गई है। फिर गाइस जब मेरे दोनों फोन टूट गए ना, फिर मैंने एक और न्यू फोन ले लिया, बिकॉज मुझे फोन की तो जरूरत थी ना, बिकॉज मुझे वीडियो शूट करनी थी। तो गाइस जिस फोन से अभी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो मैंने न्यू लिया हुआ है। तो यार ऐसा ही सीन हो रहा है, मैं क्या बताऊं आप लोगों को, बहुत हालत खराब चल रही है, ऊपर से इतनी ज्यादा पेन है ना। रात को बड़ी मुश्किल से मैंने वीडियो शूट की, बड़ी मुश्किल से उसको एडिट किया फिर, एंड रात को पता क्या हुआ, मुझे हाई ग्रेड फीवर हो गया यार, हाई ग्रेड फीवर हो गया। फिर यार मेरे को डॉक्टर के पास ले गए, हॉस्पिटल ले जाके मेरे बहुत सारे टेस्ट हुए, मेरा ECG भी हुआ, अल्ट्रासाउंड भी हुआ, ये उन्होंने पूरी पट्टी खोली ना, फिर इधर का अंदर का पूरा अल्ट्रासाउंड किया, जेल लगा गया यार, इतनी ज्यादा पेन हो रही थी ना, मैं क्या बताऊं आप लोगों को। तो अल्ट्रासाउंड जो मेरा था, अल्ट्रासाउंड तो ठीक आया हुआ है, ECG की मेरे पास कुछ क्लिप्स है, मैं वो क्लिप्स डाल देता हूं, आप लोग जाके पहले क्लिप्स देख लो। तो गाइस आप लोगों ने क्लिप्स तो देख ली होंगी, तो चलो यार मैं अभी आपको एक्सरेज वगैरह दिखा देता हूँ। ठीक है, सामान इधर यार। सो गाइस ये मेरा वो वाला एक्सरे है जो एक्सीडेंट से पहले था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, रिंग लाइट ऑफ कर। सो गाइस मुझे पता नहीं अब आपको फोन में कैसा दिखेगा, यहाँ पे देखना। ठीक है, यहाँ पे आपको हड्डियां क्रैक हुई हुई दिखेंगी,
मतलब यहाँ पे 3-4 फ्रेगमेंट्स में हड्डियाँ टूटी हुई हैं, ठीक है। ये दिख रहा है आपको, ये वाली बोन दिख रही है, ये थोड़ा सा पीछे पीछे लूँ, ये वाली आपको बोन दिख रही है, ये देखो यहाँ से टूटी हुई है, ये देख रहे हो ना, ये वाली स्ट्रेट है, ये वाली बोन देखो, ये बिल्कुल स्ट्रेट है, ये मेरी कॉलर बोन है, ये वाली कॉलर बोन देख रहे हो, ये देखो ये यहाँ से टूटी है, पहले देख रहे हो यहाँ से टूटी है, फिर यहाँ से टूटी है, फिर आगे भी टूटी हुई है ये, ठीक है, मतलब ये एरिया से पूरी टूटी हुई है बोन, ठीक है। तो गाइज ये एक्सरे मेरा एक्सीडेंट से पहले का, ठीक है, तो अब मैं आपको एक्सीडेंट के बाद का एक्सरे दिखा देता हूँ, ठीक है। वो कहाँ पे पड़ा है, ये सीटी स्कैन भी निकाला था गाइज, ये देख लो, ये सीटी स्कैन होता है, भाई हाथ में बहुत ज़्यादा पेन है, ये सीटी स्कैन है, देख रहे हो, बहुत सारे टेस्ट करवाए यार उन्होंने, बहुत सारे टेस्ट करवाए, मेरे हाथ में छेद हो गए इंजेक्शन लगवा लगवा के, टेस्ट दे दे के, क्या हालत हुई क्या बताऊं भाई, इतनी पेन पता नहीं कितने सालों के बाद बर्दाश्त की होगी मैंने। तो गाइज ये आ गया वो वाला एक्सरे जो हमारा ऑपरेशन के बाद हुआ है, ठीक है। इसमें मैं आपको स्क्रू दिखाता हूँ, अगर आपको स्क्रू दिखेंगे, दिख रहे हैं, दिखाना स्क्रू, दिख रहे हैं, एक मिनट मेरे हाथ में दे, थोड़ा पीछे जा। सो गाइज ये रही हड्डी, इसको ठीक किया हुआ है ना, स्क्रू चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 स्क्रूज हैं गाइज, देख रहे हो, अगर आपको दिख रहे हैं वीडियो में मुझे नहीं पता, ये ऑपरेशन के बाद का एक्सरे है, ये देखो इस हड्डी को सीधा किया हुआ है, प्लेट्स डाली हुई है इसके अंदर। सो गाइज मैंने आपको दोनों एक्सरे दिखा दिए, मैंने आपको कल की वीडियो में बोला था कि मैं आपको एक्सरे वगैरह सब कुछ दिखा दूंगा, फोन की कंडीशन भी मैंने आपको दिखा दी। तो गाइज अभी कुछ ऐसा सीन है कि अभी मुझे पता नहीं है कि यार रिकवरी का क्या सीन है, कितने दिनों में मैं रिकवर होऊंगा, ठीक है। एंड गाइज एक अच्छी चीज ये हुई है कि जो मैंने प्लेट्स डाली है ना गाइज, ये टाइटेनियम प्लेट्स है, इनको निकालने की जरूरत नहीं है, जो स्टील प्लेट्स होती है ना, जो मतलब ऑपरेशन के टाइम जब स्टील प्लेट्स डालते हैं ना, उनको निकालना पड़ता है, मतलब दो बारी पेन बर्दाश्त करना पड़ता है मुझे, मतलब पूरा प्रोसीजर दो बारी होता। तो एक अच्छी चीज मेरे साथ ये हुई है कि मैंने टाइटेनियम प्लेट्स डलवाई है, ये थोड़ी कॉस्टली होती है, पर यार ऑपरेशन से बच जाऊंगा, मतलब दूसरी बारी ऑपरेशन करवाने की जरूरत नहीं होगी, तो ये एक अच्छी चीज है। बाकी गाइज अभी सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग सपोर्ट करो, ठीक है। मैं आपको लाइफस्टाइल ब्लॉग दिखाऊंगा, मतलब पूरे दिन में मैं क्या करता हूँ, मैं सब कुछ दिखाऊंगा, डाइट वगैरह जो भी मैं डाइट ले रहा हूँ, डॉक्टर ने बोला कि डाइट अच्छी लेनी है बिकॉज रिकवरी के लिए आपको डाइट की जरूरत है, एंड मैं आपको पूरा लाइफस्टाइल ब्लॉग दिखाऊंगा। थोड़े दिन आपको लाइफस्टाइल ब्लॉग्स देखने पड़ेंगे, पर बाइक भी दिखाऊंगा मैं, उसमें आप टेंशन नहीं लेना, बस आप लोग सपोर्ट करो यार, थोड़े दिन की बात है, थोड़े दिन में मैं ठीक हो जाऊंगा, फिर हम अच्छे से ब्लॉगिंग करेंगे, व्हीलीज मारेंगे, ठीक है। तो गाइज अभी ऐसा सीन है, मैं सोच रहा हूँ हल्को कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं यार, ठीक है, 15 दिन से वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको कोई पूछ ही नहीं रहा है बेचारे को, बहुत धूल मिट्टी होगी हुई है उसके ऊपर, तो नीचे चलते हैं उसको कोल्ड स्टार्ट करते हैं। एंड गाइज उसका O2 सेंसर भी आ गया, पर अब क्या फायदा यार, अभी तो हम जा नहीं ना सकते। तो गाइज कल बाइक भी आ जाएगी हमारी KTM RC 390, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। गाइज अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगा ना, मुझे बहुत ज्यादा पेन होती रहती है, पूरा वेट इधर आ जाता है, मुझे इसको ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है, फिर ठीक लगता है मेरे को। तो चलो गाइज अभी नीचे चलते हैं, ठीक है, तो मैं आपको बाइक कोल्ड स्टार्ट करके बताता हूँ, तो हल्की आवाज सुनते हैं, ठीक है, बहुत टाइम हो गया। सो गाइज ये चेक करो, ये रही हमारे हल्की की, 15 दिन के बाद भाई इस की को पकड़ रहा हूँ। एंड गाइज मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ हल्की आवाज सुनने के लिए, तो यार चलो उसको जल्दी से कोल्ड स्टार्ट करते हैं, तो आ जाओ मेरे साथ, पेन बहुत ज्यादा है पर एडजस्ट करना पड़ेगा। गाइस आप लोगों को पता है मुझे कितनी ज्यादा पेन है, पर जब मैं कैमरा फेस करता हूँ ना, मेरे में एकदम एनर्जी आ जाती है कहीं से, मतलब इसको पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है मुझे। तो आओ नीचे चलते हैं, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे छोटी सी जिम भी है, देख रहे हो, आ जाओ नीचे चलते हैं। गाइस हल्को वॉश भी करवाना है यार, बहुत टाइम हो गया उसको वॉश करवाए हुए, दोनों बाइक्स को वॉश भी करवाएंगे, कोल्ड स्टार्ट भी करेंगे उन दोनों को। चलो पीछे चलते हैं यार, बहुत ज्यादा पेन है भाई। फाइनली गाइज ये चेक करो, यहाँ पे लगा अपना हल्क, देख रहे हो भाई हालत, चेक करो इसकी कितनी ज्यादा गंदा हो गया है, देख रहे हो कितना ज्यादा गंदा हो गया, मिट्टी देख रहे हो उसके ऊपर, देखो कितनी धूल मिट्टी है इसके ऊपर, ये देखो हालत देखो इसकी कितना गंदा हो गया हुआ है यार, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया हुआ है ये। एंड वहाँ पे लगी अपनी KTM RC 390, ये रही हमारी पुरानी वाली KTM RC 390, देख रहे हो भाई यहाँ पे पेड़ वगैरह है। सो फाइनली गाइज अभी हम शूट कर रहे हैं GoPro से, बिकॉज यार फोन से बिल्कुल भी हाइपर वाइड एंगल नहीं आ रहा था, वाइड एंगल भी नहीं आ रहा था, क्वालिटी बहुत ज़्यादा फट रही थी। तो गाइज यहाँ पे लगा अपना हल्क, एंड यहाँ पे लगी अपनी पुरानी KTM RC 390। तो चलो यार दोनों को जल्दी से कोल्ड स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं हल्क को कोल्ड स्टार्ट करने वाला हूँ, सैम बना वीडियो। सो गाइज चलो इसको जल्दी से कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं यार, 15 दिन के बाद कोल्ड स्टार्ट होने वाला है, क्या बात है। देखना पहले गियर में, मत गियर में नहीं है, फास्ट
वजह से हो रहा है, बाकी इसको ऑटो सेंसर की प्रॉब्लम तो है ही है, इसका ऑटो सेंसर आ गया हुआ है। तो क्या बात है यार, इतनी बड़ी बाइक लग रही है ना कसम से, इतने दिनों के बाद देख रहा हूँ इसको, क्या लग रही है यार ये बाइक, कितनी ब्रॉड बाइक है यार, क्या लुक है इसकी देख रहे हो। गाइस इसको अच्छे से कोल्ड स्टार्ट होने दो, एंड ये चेक करो इसमें फ्यूल भी नहीं है भाई। तो गाइस दो बार आ चुके हैं हमारी बाइक कोल्ड स्टार्ट हो चुकी है, तो आप लोग आवाज़ सुनने के लिए रेडी हो, ये ले सैम व्लॉग में। चलो हम ड्राइव करते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में मिसिंग कर रही है ना थोड़ा थोड़ा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सो गाइस होप करता हूँ ऑटो सेंसर डलवाने के बाद ये मिसिंग की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे लगी अपनी KTM RC390, एंड इसको भी कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं। दे भाई की लगाओ उधर, मेरा तो ये हाथ चलता ही नहीं है, हाथ चलता है मूवमेंट नहीं होती है। सो गाइस अभी KTM को कोल्ड स्टार्ट करते हैं, करना ये क्या लाइट ही नहीं आ रही है इसको, इसको क्या हुआ गाइस, हमारी KTM को पता नहीं क्या हो गया, इसकी बैटरी डेड हो गई है। हॉर्न बज रहा, हॉर्न मार के देख, गाइस हमारी बाइक में हॉर्न ही नहीं है, पता कैसे चलेगा बैटरी डेड हुई है क्या हुई है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं कर रही है। देखना ये क्या चक्कर हो गया इसको यार, बाहर निकाल के। गाइस अपनी KTM स्टार्ट ही नहीं हो रही, स्टार्ट क्या हो रही कुछ दिख ही नहीं रहा है इसके ऊपर यार, ये देख रहे हो, करना स्टार्ट वापस, ये देखो कुछ भी नहीं आ रहा यार इसके ऊपर, हुआ क्या इसको, बहुत टाइम से नहीं स्टार्ट। गाइज इसका भी देखते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसका अपडेट देता हूँ मैं, अभी तो मुझे भी नहीं पता इसको हुआ गया। तो चलो यार इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो ये था आज का व्लॉग, होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है गाइज। बहुत मेहनत से व्लॉगिंग कर रहा हूँ, ठीक है, मैं मुझे पता है कितनी ज़्यादा पेन है मुझे, तो लाइक करना और सैम को भी सब्सक्राइब कर देना यार, ये भी लाइक करो, 50K लाइक्स कर दो, एंड सैम को भी सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। सैम भी बहुत मेहनत कर रहा है, सैम व्लॉग्स करके इसका चैनल है, इसको भी जाके सब्सक्राइब करो। तो चलो आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। सो गाइस अभी मैं व्लॉग बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सर्शन कर रहा था, डॉक्टर ने मुझे कम्प्लीट बेड रेस्ट बोला हुआ था, तो उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा फीवर हो गया हुआ, ठीक है। तो अभी मुझे लग रहा है थोड़े दिन व्लॉग नहीं आएंगे, मेरे को थोड़ा सा भी होश आता है ना तो मैं व्लॉग बनाना स्टार्ट हो जाता हूँ, तो अभी शायद थोड़े दिन व्लॉग ना आए। तो बाकी बाइक को भी पता नहीं क्या हो गया यार, वो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो उसको भी देखेंगे यार, थोड़ा मैं स्टेबल हो जाऊँ ना तो फिर मिलता हूँ आप लोगों से। गाइस अभी जो कुछ मैं बोल रहा था ना, वो मेरी मम्मा ने मुझे बोला था बोलने के लिए, क्योंकि वो साथ में बैठे हुए थे यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, व्लॉग्स आएंगे, ठीक है, पर हालत अभी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। मेरे को घर वाले बोल रहे थे कि भाई कोई व्लॉग नहीं बनाना है, मैं बड़ी मुश्किल से व्लॉग बना रहा था, तो उन लोगों ने बोला कि अभी बोल के कोई व्लॉग नहीं बनाएगा तू, तो ऐसा सीन है गाइस अभी। पर टेंशन नहीं लो आप लोग, व्लॉग आएंगे, बस हिम्मत होनी चाहिए। अभी 103 बुखार हो गया हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, तो कोई नहीं, हो जाएगा बुखार ठीक, फिर मिलता हूँ आप लोगों से, बाय। 2000 years later। सो गाइस यहाँ पे चेक करो हमारा हाल पूछने के लिए कौन आए हुए हैं। अभी मैं और जानू प्लान कर रहे थे कि कल हमें जो है लद्दाख राइड के लिए निकलना है, कल चाहे चाहे हमारा एक हाथ टूट चुका है, हमारा हाथ हिल नहीं रहा है बिल्कुल भी, पर लद्दाख राइड गाइस होनी चाहिए। आपको पता है हमारी लद्दाख राइड कैंसिल हो गई गाइस, कोई लद्दाख राइड नहीं होगी जब तक ये ठीक नहीं होगा। जिस दिन ठीक होगा ना उस दिन लद्दाख राइड में जाएंगे, इकट्ठे जाएंगे, ना मैं उससे पहले जाऊंगा ना उसके बाद, जिस दिन ठीक हुआ तब जाएंगे। वैसे हमारा प्लान था लद्दाख राइड पे जाने का अभी थोड़े दिनों में, बट जब ये ठीक होगा तब जाएंगे, वरना आप भी उसको भाई लिखो कमेंट में घर बैठो रेस्ट कर, ठीक है। घर वाले भाई बड़ी टेंशन लेते हैं जब कुछ हो जाता है, दोस्तों के जैसे मैं ही हूँ, ठीक है, हमारे हाल चाल पूछे चल गए घर, और यार घर वाले सफर करते हैं तो ख्याल रखना चाहिए। एंड यहाँ पे चेक करो, दिखाओ ना एक मिनट, हो गया चेक, दिखाओ इधर, हो गया चेक, हो गया, हिलना हिला नहीं जाता है, बस बंद हो गाइस। चलो फिर मिलते हैं आपसे बाइक पे, स्टंट मारेंगे, स्टंट एक थोड़ाई है दूसरी भी थोड़ाएंगे। Guys, no regrets, आपको पता no regrets, है? No regrets. What we have done regret, is done. But... regret करना ही नहीं है किसी चीज़ का, हमने चोरी थोड़ी ना की है, तो regret करेंगे। And guys, यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे हमारे साथ है J Town, ठीक है? J Town सर बहुत शर्मा रहे हमारे घर में आके, ठीक है? ऐसा क्यों है? आप कुछ खा क्यों नहीं रहे हो? गाइज ये लोग कुछ भी नहीं खा रहे हैं यार, पता नहीं इनको कमेंट करके बताओ, कुछ भी नहीं खा रहे हैं ये भाई, हमने आधा काजू का डब्बा खाली कर दिया मैंने। तो चलो गाइज आपसे बाद में मिलता हूँ।
फलक तक चल।